नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News। SPN 9 News में आपका स्वागत है। बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा अंतर्कलह देखने को मिल रही है। बताते चले आपको कि 1.5 साल पहले महाराष्ट्र में बगावत का रास्ता अपनाने वाले एकनाथ शिंदे अब फिर से फंसते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर महाराष्ट्र को लेकर तमाम जानकारियां सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और शिवसेना के विधायकों पर बस फैसला यहां पर आते ही एक बड़ी खबर निकल कर सामने आएगी। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर विधायकों की अयोग्यता पर अपना निर्णय सुनाएंगे। उससे पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट के 39 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों के अयोग्य ठहरने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के फैसले का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंपा था। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर विधायकों की अयोग्यता के फैसले से को लेकर यहां मातोश्री की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बताते चले आपको कि यहां पर उद्धव ठाकरे का मातोश्री यानी कि उद्धव ठाकरे के आवास की सुरक्षा का जो यहां पर वो है उसको बढ़ा दिया है। पुलिस प्रशासन यहां चारों तरफ मातोश्री को घेरे खड़ी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर मातोश्री की सुरक्षा को लेकर जो जानकारी यहां सामने आ रही है ताकि मातोश्री पर कुछ आपत्ति ना आए, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर कोई हमला ना हो सके। इसी बीच आपको बता दें कि इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 News। धन्यवाद।